नंबर टेंथ का फर्स्ट पार्ट है 27y³ + 125z³, इनके हमें गुणनखंड बनाने हैं। तो फर्स्ट पार्ट है 27y³ + 125z³। 27 3 का क्यूब होता है, क्योंकि 3 का क्यूब लें तो आता है 3 × 3 × 3, 3 × 3 = 9, 3 × 27। तो 27 को तो आप लिख सकते हो 3 का क्यूब, और y क्यूब जो है वो y का क्यूब आएगा। तो जब ये 3 के ऊपर आएगा तो 27 बनेगा, और जब ये 3 y के ऊपर आएगा तो y क्यूब मिलेगा। यानी कि 27y³ को लिख सकते हैं, 3y को लिखो ब्रैकेट में और उसके टोटल के ऊपर डाल दो क्यूब। कई लोग इसको ऐसे लिख देते हैं 3³ और y, तो वो गलत हो जाएगा। इस y को ब्रैकेट के बाहर ना लिख के ब्रैकेट के अंदर लिखना है और टोटल के ऊपर क्यूब डालना। और इसी तरीके से 125 जो होता है वो 5 का क्यूब होता है, और z³ z का क्यूब होता है, तो टोटल का क्यूब। जब ये 3 5 के ऊपर आएगा तो 5 का क्यूब होगा, मतलब 5 × 5 × 5, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125। और z के ऊपर आएगा तो मिलेगा z³। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी, क्या एक x³ + y³ बने। ये आपने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, सर्वसमिका पढ़ी हुई है, x³ + y³ = x + y (x²) - xy + y²। हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। तो अगर मैं इन दोनों का कंपेयर करूं, तो जहां पर तो x है वहां पर है 3y, और जहां पर y है वहां पर है 5z। तो आइडेंटिटी क्या कहती है कि 3y³ + 5z³ क्या आता है, पहली ब्रैकेट में x + y। तो x की जगह तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर 3y और प्लस, और y³, y की जगह क्या है 5z। तो 5z³ × x², x का मतलब पहले वाले का क्यूब, जिसका क्यूब है वो x, यानी कि यहाँ पर 3y। तो 3y² - x × y, यानी कि this × this, यहाँ पर 3y × 5z, 3y × 5z और प्लस y², तो y की जगह 5z है, तो ये बनेगा 5z² ये दूसरी ब्रैकेट में आ गया। तो ये हो गया, यहाँ पर क्यूब नहीं है, खाली x + y था, 3y + 5z। तो ये आ गया 3y + 5z². जब ये 2 3 के ऊपर आएगा तो 3² = 9, y के ऊपर आएगा तो y² - 3 × 5 = 15, y × z, और प्लस जब ये 2 5 के ऊपर आएगा तो 5² = 25, और z के ऊपर आएगा तो z². तो ये इसका आंसर आ जाएगा, इसके गुणनखंड बन गए। सिमिलरली इसका सेकेंड पार्ट है 64m³ - 343m³। 64 जो है वो 4 का क्यूब होता है, 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64। तो 64 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब, और m³ खुद m का क्यूब है। तो जब ये 3⁴ के ऊपर आएगी तो 64 मिलेगा, m के ऊपर आएगी तो m³ मिलेगा। 343 जो होता है वो 7 का क्यूब होता है, 7 × 7 = 49, और 49 × 7 = 343। तो 7 का क्यूब लेंगे तो 343 मिलेगा, और जब ये 3n के ऊपर आएगी तो n³ मिलेगा। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a³ - b³, या फिर आपने याद रखा होगा x³ - y³। तो आइडेंटिटी कहती है कि अभी x में से पहले y को माइनस कर लो, फिर दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा x²
प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर x का सिर्फ मतलब है पहली टर्म के जिसका क्यूब कर रहे हैं, और y का मतलब है दूसरा पद, दूसरी टर्म जिसका क्यूब कर रहे हैं। तो अगर मैं यही आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ करूँ, पहले x में से y को माइनस करना है, यानी कि पहला पद माइनस दूसरा पद, यानी कि 4n माइनस 7n, फिर x स्क्वायर मतलब पहले का स्क्वायर, तो 4m का स्क्वायर और प्लस x इंटू वाई मतलब पहला गुना दूसरा, तो पहला हो गया 4m और दूसरा हो गया 7m, फिर प्लस y स्क्वायर मतलब दूसरे का स्क्वायर यानी कि 7m का स्क्वायर। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करके मिल गया, पहली ब्रैकेट एज इट इज लिख लो 4m माइनस 7m, और दूसरी ब्रैकेट में 4 के जब ऊपर ये स्क्वायर आएगा, 4 का स्क्वायर 16, n स्क्वायर और 4 इंटू 7 28 mn, और प्लस 7 का स्क्वायर 49 और n स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ गया 4m माइनस 7n इंटू 16 एम स्क्वायर प्लस 28 एम एन और प्लस 49 एम स्क्वायर। ये इसके गुणनखंड बन गए।